तो दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो दोस्तों, पहले वीडियो में हमने देखा लेविस कोसल के कॉन्सेप्ट के बारे में। उन्होंने ये बताया कि कोई भी एटम रिएक्ट क्यों करता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, और ऑक्टेट रूल इसी बेस पर दिया गया। ऑक्टेट रूल मीन्स कोई भी एटम रिएक्ट करता है या तब सेटिस्फाई होता है जब उसका ऑक्टेट फिल हो जाए, मीन्स वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहेगा। तो दो तरह से ऑक्टेट कंप्लीट करता है, या तो कंप्लीट ट्रांसफरेंस हो, जैसे इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा NaCl की फॉर्मेशन, या फिर CaF2 की फॉर्मेशन। तो ये क्या थे, ये आयनिक बॉन्ड थे, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी इसका नाम है। अब हम बात करने वाले हैं, ऑक्टेट रूल तो हो ही गया, ऑक्टेट को कंप्लीट करना ऑक्टेट रूल है। अब हम बात करने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, लेविस की बातें तो चल ही रही हैं, साथ साथ एक साइंटिस्ट और भी थे, लैंगमुयर। बात है 1919 की। तो लेविस ने भी, इन्होंने भी मिल के ये डिसाइड किया, साइंटिस्ट ने मतलब ये बताया कि म्यूचुअल शेयरिंग से भी बॉन्डिंग होती है, और इस तरह से जो शेयरिंग से बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ऑक्टेट पूरा करने के लिए एटम क्या करेगा, उसकी कोशिश है कि ऑक्टेट पूरा हो, तो उसके पास दो रास्ते यहाँ पर मेन हैं। एक तो है कंप्लीट ट्रांसफरेंस यानी कि आयनिक बॉन्ड, और दूसरा है कि वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें, मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब हम शेयरिंग वाली बात कर रहे हैं कि आपस में इलेक्ट्रॉन्स का साझा हो जाता है, पार्टनरशिप हो जाती है, जिसकी वजह से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे हम देखते हैं Cl2 जो मॉलिक्यूल है, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई होगी। Cl2 का मतलब है दो क्लोरीन एटम है यहाँ पर, तो एक क्लोरीन एटम ये, एक क्लोरीन एटम ये। क्लोरीन के बारे में हमें क्या पता है कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। 17 की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, इलेक्ट्रॉन भर के देखें इसमें, फर्स्ट शेल में 2, फिर 8, फिर 7, तो वैलेंसी कितनी आती है अपने पास, 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 4, 6 और 1, 7। 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी हैं, 2, 4, 6 एंड 7। अब यहाँ पर क्या होता है, दोनों एटम एक जैसे हैं तो ऐसा संभव नहीं है कि ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे, फिर तो इसका काम बिगड़ जाएगा, इसका ऑक्टेट नहीं रहेगा, ना ये इसको दे सकता, मींस कंप्लीट ट्रांसफरेंस यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, ये आपस में एक समझौता करेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत दोनों को है, तो आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, बांट लेते हैं, जिसको ज़रूरत होगी वो अपना यूज़ कर लेगा, यानी कि दोनों का उस पर बराबर का अधिकार रहेगा, बराबर का हक रहेगा। तो इस क्लोरीन ने इसका एक इलेक्ट्रॉन लिया, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का इसने लिया तो 2, 4, 6, 7, 8 इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और इसका ऑक्टेट अब कंप्लीट है। अब ये कहेगा भाई ये परमानेंट बात तो बन नहीं सकती, क्योंकि मुझे भी ऑक्टेट पूरा करना है। तो ये कहेगा भाई ये भी और ये भी बराबर का अधिकार मुझे भी मिलना चाहिए, ये भी क्या करेगा यहाँ से ऐसे शेयरिंग कर लेगा। अब इसके अगर हम देखें तो 2, 4, 6 एंड 8 इसके भी कितने हुए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम कह सकते हैं कि इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हुआ। इस तरह से फॉर्मेशन होती है Cl2 की। याद रखो दोस्तों, दो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, एक बॉन्ड बन गया, यानी कि Cl और Cl के बीच में एक बॉन्ड होता है। अगर आपको ऑब्जेक्शन ना हो तो मैं इसको बोल लेता हूँ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एक बॉन्ड है तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स तो क्या मॉलिक्यूल, जिनमें आपको ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा। जैसे आपसे कह दिया जाए CH4 क्या चीज़ है, मीथेन। अगर हम इसको देखना चाहें कि ये मॉलिक्यूल कैसे बना होगा, तो CH4 का मतलब है एक कार्बन है और चार क्या हैं, हाइड्रोजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, 6 बोले तो 2 एंड 4, तो इसकी वैलेंसी है 4।
हाइड्रोजन के एटम के नंबर है 1, तो इसमें है 1। हाइड्रोजन हीलियम ऐसे हैं उनमें डुप्लेट पूरा करना होता है, क्योंकि एक ही शेल है और पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो उसको ऑक्टेट नहीं कहेंगे हम, क्या कहेंगे, डुप्लेट। तो ये ऐसे हैं जिनमें इनका टारगेट अपने डुप्लेट को पूरा करना, बाकी क्या है, ऑक्टेट को पूरा करना चाहेंगे। तो कार्बन के पास वैलेंसी है 4, तो ये कार्बन है और इसके पास हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं, 4, और हर एक के पास कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है। ये लो भाई, एक इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन एक यहाँ पर है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो हाइड्रोजन को पूरा करना है अपना डुप्लेट, सो ये लो डुप्लेट, इसका भी पूरा, ये भी, ये भी। अब ऐसे अगर ये डोनेट कर देगा तो कार्बन के पास तो कुछ बचा ही नहीं, लेकिन बात कोवेलेंट बॉन्ड की है, शेयरिंग की है, तो कार्बन कहेगा भाई जितना हाइड्रोजन का हक है उतना ही हक मेरा भी है, कार्बन का भी है। तो ये क्या करेगा, इन सब को ऐसे, ये ऐसे बनेगा 2, 4, 6 एंड 8, दो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक बॉन्ड बनता है। तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, मीन्स कार्बन के साथ 4 क्या हैं, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी तरह अगर आपको कोई कह दे CCl4, तो भी क्या है, कार्बन के साथ, इसी तरह Cl लेकर आ जाना, यहाँ पर शेयरिंग हो जाएगी, CCl4 बनेगा। आपको कह दे कोई H2O कि H2O बनाओ और उसमें देखो बॉन्ड कैसे हैं, हम डबल ट्रिपल हर तरह के बॉन्ड यहाँ पर देखने वाले हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर H2O कहा जाए तो H2O में देखिए क्या क्या है, एक हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ऑक्सीजन का 8, 8 का मतलब 2 एंड 6, तो वैलेंसी 6 है। तो ये ऑक्सीजन है, 2, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं। H2O वाटर की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, एक हाइड्रोजन यहाँ है अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर, एक हाइड्रोजन यहाँ है अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर। ये हम कैसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये हैं लेविस स्ट्रक्चर। लेविस ने ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स को डॉट की तरह दिखाया था, हम पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करता है, ये पूरा कर लिया इसने, शेयरिंग होगी, आपस में साझा होगा। ऑक्सीजन कहेगा भाई अपने वाला भी इलेक्ट्रॉन दे और मेरे वाला भी दे, ताकि मेरा भी काम चले और मेरा ऑक्टेट पूरा हो। तो ये भी जाएंगे और ये भी। अब ऑक्सीजन के 2, 4, 6 और 8, अब इसका डुप्लेट पूरा है, इसका डुप्लेट पूरा है और ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है। बॉन्डिंग कैसी हुई, सिंगल बॉन्ड है ये और ये। तो ये कुछ एग्जांपल किसके हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगा या मल्टीपल बॉन्ड्स भी बन सकते हैं। तो डबल बॉन्ड भी बनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड भी बनेंगे, कैसे देखते हैं आगे। अब देखते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कि एग्जांपल अपने पास है O2, तो एक ऑक्सीजन एटम, ये दूसरा ऑक्सीजन एटम, 2 एंड 6 होता है ऑक्सीजन का, 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग, ये दो इलेक्ट्रॉन इसको दे दो इस तरह से। अब इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, इसको भी चाहिए क्योंकि शेयरिंग है, साझा करवाओ। अब इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। अब दो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक बॉन्ड बनता है, तो एक बॉन्ड तो ये बन गया, एक ये बन गया, मीन्स O2 में क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ये आपको ख्याल रखना है। अब देखते हैं CO2 को बनाकर, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये है कार्बन, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, एक ऑक्सीजन, 2, 4, 6, ये ऑक्सीजन 2, 4 और 6, शेयरिंग करवाइए इनकी, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, कार्बन के 2 ले लो, कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑक्सीजन है 6, तो इसके पास खुद है ही, 2 इसके ले लो, कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब कार्बन के ये जिन जिन के साथ पार्टनरशिप हुई थी, सारे इलेक्ट्रॉन्स इनके ले लो, ये टोटल 2, 4,
6, 8। अब कार्बन के भी कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन बॉन्डिंग कैसी हुई? 1, 2, 1, 2 डबल बॉन्ड। मीन्स सी ओ टू में क्या होता है, सी से डबली बॉन्डेड ओ और सी से डबली बॉन्डेड ओ, ये होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए C2H4 इथीन, हम पढ़ते आए ना एन सिंगल बॉन्ड होता है हल्केन्स में, एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन्स में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसी तरह अगर आपको कोई कह दे C2H4, ये बताइए, तो कार्बन एटम्स हैं दो, और दो कार्बन के पास कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के पास, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, 6 का मतलब 2 और 4। इसके पास भी 2, 3 और 4। एक हाइड्रोजन यहाँ आया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर, एक यहाँ आया है अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर, डुप्लेट पूरे कर दो तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन से डुप्लेट पूरा हुआ। एक हाइड्रोजन यहाँ आया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर, एक हाइड्रोजन यहाँ आया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर, डुप्लेट इसके भी पूरे करो। फिर क्या करना पड़ेगा? अब हमें कार्बन के करने पड़ेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2, 4, 6 और 2 ये इसके ले लो। अब इसके 8 पूरे हुए, इसके कैसे होंगे? अब 2, 4, 6 ये 2 इसके वाले ले लो। तो हर जगह डबल बॉन्ड नहीं आया, देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड आया, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहाँ कैसा आया? डबल बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर ये है C डबल बॉन्ड O, बाकी ये सिंगल बॉन्ड है जो दो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये है C2H4। इस तरह से ये हैं डबल बॉन्ड के एग्जांपल। अब अगर आपसे कहा जाए ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड है जैसे अगर मैं बात करूँ तो नाइट्रोजन है N2, ये क्या है? ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल है N2। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना है? 7। 7 मीन्स 2 और 5, तो 2 और 5 जो है N2, नाइट्रोजन है 7, 7 मीन्स 2 और 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के, 1, 2, 3 और 2, 5। यहाँ पर क्या है? 1, 2, 3 और 2, 5। शेयरिंग करवाइए इनकी, 5 तो हैं ही, 3 ये इलेक्ट्रॉन्स दे दो। अब ये कितने हैं इसके पास? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह इसके अगर शेयरिंग करवानी है, मींस इसके अब 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हुए, ऑक्टेट कंप्लीट है। इस नाइट्रोजन के 5 ये हैं, 3 ये ले जाओ। अब इसके भी कितने हुए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा डायग्राम नहीं बन पाया, कोई इशू नहीं है, चलो कोई बात नहीं, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक बॉन्ड बनता है, तो 1, 2, 1, 2, 3 बॉन्ड, मींस N2 में क्या है अपने पास? ये है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। इसीलिए तो कहा जाता है, बार बार आगे क्वेश्चन भी आएगा, कि नाइट्रोजन जो है ये अनरिएक्टिव होती है, बहुत लेस रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि N2 में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ना, क्योंकि 3 बॉन्ड हैं, आसान नहीं है, इसलिए ये कम रिएक्शन करता है। अब जैसे हमसे किसी ने कह दिया ये कहा गया C2H4, तो पहले आ चुका C2H2 ट्रिपल बॉन्ड वाला, यानी कि इथाइन, क्योंकि अल्किन एन में सिंगल बॉन्ड है, इन में डबल है, आइन में ट्रिपल है, तो इथाइन का आ गया। तो यहां पर कैसे बॉन्ड बनेगा? वही 2 कार्बन और इसके बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां, चौथा यहां, एक एक, क्योंकि हाइड्रोजन 2 ही है अपने पास। अब एक हाइड्रोजन यहाँ आया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर, एक हाइड्रोजन यहाँ आया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर, पहले हाइड्रोजन का किस्सा ख़त्म कर लो, ये इसके डुप्लेट पूरा हुआ, दूसरा इंतज़ार में है, इसका डुप्लेट भी अब पूरा हुआ। अब देखिए कार्बन ने क्या किया, इसकी शेयरिंग करवाओ, 3 और 3, 6, कार्बन तो दोनों साथ हैं ही, इस तरफ ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लो। अब इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हुए, इस तरफ वाला है 3 और 3, 6, ये 2 इस तरफ वाले लो इसके साथ। अब इसके भी कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग कैसी हुई? वे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, मींस कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और हाइड्रोजन वाला सिंगल बॉन्ड। तो ये जो एग्जांपल हमने पढ़ा, ये किसका है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ओ2 वाला किसका था जैसे हमने पढ़ा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और Cl2
या H2O ये पढ़ा तो ये कैसा था, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है कि आपस में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, साझेदारी होती है, इसको कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। दोस्तों आखिर में वही बात जिससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाइए।